गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। प्रोसीड्यूर ऑफ सेडिमेंटेशन एनालिसिस, इसमें हम लोग पढ़ चुके थे, इसको दो मेथड से करते हैं, पिपेट मेथड एंड हाइड्रोमीटर मेथड। पिपेट मेथड, पिपेट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, ड्राई सॉइल, कैसा सॉइल लेते हैं, ड्राई सॉइल, जिसमें सॉइल का अमाउंट कितना लेते हैं, 12 to 30 ग्राम। पासिंग थ्रू, ये कौन सा सॉइल लेते हैं और ये किस सिप से पास करेगा। हम लोग जो पढ़ रहे थे, एक तो पढ़ रहे थे सीव एनालिसिस, दूसरा पढ़ रहे हैं सेडिमेंटेशन एनालिसिस। सीव एनालिसिस किस सॉइल के लिए यूज करते थे, क्रॉस ग्रेन सर, कोर्स ग्रेन सॉइल, और सेडिमेंटेशन एनालिसिस किस सॉइल के लिए यूज करते हैं, फाइन ग्रेन सर, फाइन ग्रेन सॉइल। फाइन ग्रेन सॉइल में कौन कौन सा सॉइल हम लोग पढ़े थे सर, सिल्ट और क्ले, सिल्ट एंड क्ले। सिल्ट एंड क्ले किस सीव से पास करता है, 75 माइक्रोन, 75 माइक्रोन सीव। इज एडेड इन वाटर टू फॉर्म, ये 500 ml सस्पेंसर बनाते हैं, क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 12 to 30 ग्राम सॉइल लेते हैं, उसके बाद उसको क्या करते हैं, 500 ml वाटर, इस सॉइल को इसको ऐड कर देते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। द सस्पेंशन इज स्टार्ड एंड अलाउड फॉर सेटलिंग, इस सॉइल को हम लोग वाटर में अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। आफ्टर दैट, मिक्स करने के बाद जो सॉइल बनता है उसको बोलते हैं सॉइल सस्पेंशन। इसका वॉल्यूम कितना होगा, हेलो, 500 ml, ये आफ्टर एडिशन ऑफ सॉइल है, सॉइल को ऐड करने के बाद इसका वॉल्यूम 500 ml है। टू फाइंड परसेंटेज फाइनल, ऑब्जर्वेशंस आर टेकन एट रेगुलर इंटरवल, फर्स्ट रीडिंग लेते हैं एट 2 मिनट, आफ्टर दैट 4 मिनट, 8 मिनट, 15 मिनट एंड 30 मिनट। दिस इज द टाइम इन मिनट। After 30 minutes, readings are taken after 1 hour, 2 hour, 4 hour, 8 hour and 24 hour. This is the reading in hour. Actual procedure यही होता है, लेकिन इसमें क्या करते हैं हम लोग, कुछ treatment करते हैं। वो treatment क्या होता है देखते हैं। Pre-treatment of soil. सॉइल कंटेन ऑर्गेनिक कंपाउंड सिल्ट एंड क्ले। सिल्ट एंड क्ले इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, दिस इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। हम लोग परसेंटेज फाइनल जो निकाल रहे हैं और सेडिमेंटेशन एनालिसिस, वो इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए कर रहे हैं जो सिल्ट एंड क्ले होता है। लेकिन इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सॉइल, देन वी हैव टू रिमूव दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाउ टू रिमूव दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड इज रिमूव बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन परोक्साइड। द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन परोक्साइड इज H2O2। व्हाट इज हाइड्रोजन परोक्साइड, हाइड्रोजन परोक्साइड क्या होता है, कोई बोल सकते हो हाइड्रोजन परोक्साइड क्या होता है,
हाइड्रोजन परऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. व्हिच ऑक्सीडाइजेस द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सॉइल सस्पेंशन. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको ऑर्गेनिक सॉइल को ऑक्सीडाइज करके किसमें कन्वर्ट कर देता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड. आफ्टर ऑक्सीडाइजेशन इट इज कन्वर्टेड इनटू CO2 प्लस H2O. जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हमको क्या करना है, रिमूव करना है. सपोज इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड भी प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड सिल्ट क्ले, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉइल सस्पेंशन में भी आएगा. ऑर्गेनिक कंपाउंड ये जो रेटिंग देगा हमको, ये जो परसेंटेज फाइनल हम निकाल रहे हैं, परसेंटेज फाइनल फॉर सिल्ट एंड क्ले, बट इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दैट सॉइल देन द रीडिंग विल बी इनकरेक्ट. इसमें किसी कोई डाउट है क्या? हेलो. नो सर. ओके. दिस ट्रीटमेंट इज गिवन बिफोर प्रिपेयरिंग ऑफ द सॉइल सस्पेंशन. सॉइल सस्पेंशन कब करते हैं आगे देखेंगे. ये था प्री ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल. अब पोस्ट ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल क्या होता है? देखो सॉइल कौन सा सॉइल हम लोग यूज कर रहे हैं? फाइन ग्रेन सिल्ट एंड क्ले. फाइन ग्रेन में कौन सा? सिल्ट एंड क्ले. सिल्ट एंड क्ले में फॉर्म फ्लॉक्स. ये फ्लॉक्स क्या होता है हम आगे डिस्कस कर चुके हैं. क्या होता है फ्लॉक? हेलो. सर सॉइल का ग्रेन आपस में गुच्छा बन जाता है. सॉइल पार्टिकल एक दूसरे से कंबाइन कर लेता है. क्यों कंबाइन कर लेता है? क्योंकि इसका नेचर कोहेसिव होता है. इसी को बोलते हैं हम लोग फ्लॉक. जो कि सही नहीं है, क्योंकि हम लोग को क्या, हम लोग स्टोक्स लॉ में क्या पढ़े थे, जो पार्टिकल इंडिविजुअली सेटल करना चाहिए, जब कंबाइन कर लेगा मीन्स फ्लॉक बना लेगा तो वो सही नहीं है. मे फॉर्म फ्लॉक्स ड्यू टू साइज ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज, देयरफॉर टू ब्रेक दिस फ्लॉक्स डिस्पर्सिंग एजेंट और डिफ्लॉकुलेटिंग एजेंट्स आर एडेड. ये जो फ्लॉक बना इसको ब्रेक करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्पर्सिंग एजेंट ऐड करते हैं. According to IS 2720, हम लोग क्या करते हैं, 33 ग्राम ऑफ सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट एंड 7 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट मिक्स इन अ 1 लीटर ऑफ वाटर. किसी कोई डाउट इसमें? No, sir. Okay. After that, we have to wait. This is not sodium hexametaphosphate and sodium carbonate. This is nothing but the dispersing agent. Both are dispersing agent. Now we have to wait this dispersing agent. Suppose weight of this dispersing agent. This is dispersing agent. Suppose the weight of this dispersing agent is WDA. What is WDA? This is the weight of dispersing agent.
नाउ टेक 100 ml ऑफ वाटर फ्रॉम दिस. इसका वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर. 1 लीटर. अब इसमें से हम लोग 100 ml वाटर लेंगे. ये 100 ml वाटर हम लोग इसमें से ले लिए. दिस इज 100 ml वाटर इन व्हिच डिस्पर्सिंग एजेंट, ओनली डिस्पर्सिंग एजेंट इज प्रेजेंट, दैट इज सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट एंड सोडियम कार्बोनेट. नाउ वी हैव टू टेक हाउ मच सॉइल. कितना सॉइल लेते हैं हम? ट्वेल्व टू थर्टी ग्राम. पिपेट मेथड में हम लोग 12 to 30 ग्राम सॉइल लेते हैं. 12 to 30 ग्राम. लेकिन यहाँ पे हम लोग 24 to 60 ग्राम सॉइल लेंगे. क्यों लेंगे आगे पता चल जाएगा. 24 to 60 ग्राम सॉइल. इसमें क्या करेंगे, इसको मिक्स कर देंगे. इसमें इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? वाटर एंड डिस्पर्सिंग एजेंट. अब इसमें क्या किया हम लोग, सॉइल भी मिक्स कर दिए. अब इसको क्या करेंगे, डिस्टिल वाटर से फिल कर देंगे. डिस्टिल वाटर से कब तक फिल करेंगे? जब तक इसका वॉल्यूम 1000 ml ना हो जाए. After that, we have to take 500 ml water from this jar. I have taken 500 ml water from this jar. पता चला हम लोग दोगुना सॉइल क्यों लेते, 24 to 60 ग्राम. यस सर. क्यों लेते हैं? क्योंकि सर 1000 ml से फिर हम लोग 500 ml निकाल लिए. सॉइल को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें से क्या किए, इसका हाफ ले लिए. इसमें मतलब जो भी सॉइल प्रेजेंट है उसका हाफ ही पोर्शन तो यहाँ पे आया. एक्चुअली में हम लोग यहाँ पे 24 to 60 ग्राम ही सॉइल लिए हैं. 24 to 30 ग्राम. देखो इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, इस सॉइल में, ये सस्पेंशन में क्या क्या प्रेजेंट है, इस सस्पेंशन में वाटर डिस्पर्सिंग एजेंट और सॉइल. वाटर प्लस डिस्पर्सिंग एजेंट प्लस सॉइल. सॉइल मीन्स सिल्ट एंड क्ले. अब इसको क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे. After that, we have to take reading from pipette. This is pipette. This is pipette. This is the arrangement for the pipette. These are the all are this arrangement to take the reading. In this suspension, some solid particles are present. This particle may be dispersing agent or soil particle. ये हम लोग separate दिखाए हैं, actually में ऐसा नहीं होता. ये container है, the different size of particle. इस तरह से arrangement होगा. All particles are present in random manner, but I have separated this. To understand easily. देखो इस डेप्थ को हम लोग सैम्पलिंग डेप्थ बोलते हैं, HE. ये वो डेप्थ होता है जहां पे हम लोग ऑब्जर्वेशन लेते हैं, जहां पे हम लोग सॉइल सस्पेंशन लेते हैं, सैंपल लेते हैं. ये पिपेट का वॉल्यूम 10 ml होता है. ये जो पिपेट है इसका वॉल्यूम होता है, इसको वॉल्यूम का VP बोलते हैं. ये वॉल्यूम ऑफ पिपेट होता है. Volume of pipette. This is equal to 10 ml. Volume of pipette 10 ml होता है. Before taking reading, we have to insert
दिस पिपेट, प्रीवियस केस में क्या था, पिपेट ऊपर ही है, सॉइल सस्पेंशन को ऊपर ही है। जब हमको रीडिंग लेना है उससे 20 सेकेंड पहले हम लोग क्या करते हैं, पिपेट को हम लोग ये सॉइल सस्पेंशन के अंदर इंसर्ट करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग इसमें से सॉइल सस्पेंशन लेते हैं। आफ्टर टेकिंग सॉइल सैंपल दिस पिपेट विल बी फिल्ड विथ दिस सॉइल सस्पेंशन। हम लोग क्या पढ़े थे, जो सॉलिड पार्टिकल सॉइल में सेटल करता है विथ सेटलिंग वेलोसिटी वी एस, वी एस का फॉर्मूला क्या था, हेलो सेटलिंग वेलोसिटी का कुछ फॉर्मूला बताए थे हम, वी बाय वन प्लस ही सर, नहीं स्पेसिफिक ग्रेविटी के टर्म में, स्पेसिफिक ग्रेविटी न्यू, इसे पिछले लेक्चर में ही बताया हम। हम भी जो भी लेक्चर लेते हैं उसको यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं, तुम लोग पता है कहाँ पे अपलोड होता है वीडियो, यस सर यस सर, चाईवासा इंजीनियरिंग कॉलेज प्ले प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पे मेरा नाम दिख जाएगा, सोयल मैकेनिक्स दिख जाएगा, वहां से तुम देख सकते हो। तो तुमको याद नहीं है ये क्या था, सेटलिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला सर, वी एस इज इक्वल टू जी इंटू रो एस माइनस रो जी इंटू डी स्क्वायर अपॉन 18 म्यू, ऐसे नहीं बताए थे हम, वी एस इक्वल टू जी डिवाइडेड बाई 18 जी माइनस 1 इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई न्यू, ऐसे बताए थे हम। यहाँ पे जी क्या है, ये जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड। डी क्या है, डी साइज ऑफ पार्टिकल, साइज ऑफ पार्टिकल, न्यू काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। देखो जो पार्टिकल का साइज जितना बड़ा होगा वो उतना जल्दी सेटल करेगा, उसका सेटलिंग वेलोसिटी उतना ज्यादा होगा तो वो जल्दी सेटल करेगा। इसलिए देख रहे हो यहाँ पे आफ्टर सम टाइम, सपोज आफ्टर 2 मिनट, फर्स्ट रीडिंग आफ्टर 2 मिनट लेते हैं, फर्स्ट रीडिंग इज टेकन आफ्टर 2 मिनट, आफ्टर 2 मिनट क्या होगा, कुछ सॉइल सेटल करेगा, जिस पार्टिकल का साइज का डायमीटर ज्यादा होगा, ये पार्टिकल का साइज का डायमीटर ज्यादा है, ये पार्टिकल का साइज ज्यादा है तो ये जल्दी सेटल करेगा। पहले ये पार्टिकल कहाँ पे था, यहाँ पे था, अब ये सेटल करके यहाँ पे आ गया, ये पार्टिकल पहले ये भी यहाँ पे था, ये भी सेटल करके यहाँ पे आ गया, ये पार्टिकल भी पहले यहाँ पे था अब यहाँ आ गया, कौन सबसे ज्यादा सेटल किया है, लार्ज पार्टिकल, लार्ज पार्टिकल, ये पार्टिकल सबसे ज्यादा सेटल किया है क्योंकि इसका डायमीटर सबसे ज्यादा है। तो ये देखो जो सॉइल का कंसंट्रेशन है, सॉइल एंड डिस्पर्सिंग एजेंट, ये क्या अभी डिफरेंट है कि सेम है, सब अलग अलग लेयर का बात कर रहे हैं, जब हम लोग सॉइल सस्पेंशन क्रिएट किए थे उस समय सॉइल सस्पेंशन का कंसंट्रेशन सब जगह सेम है सब लेयर पर कि डिफरेंट है, सेम है, सेम है। आफ्टर 2 मिनट, आफ्टर 2 मिनट क्या है इसका, सेटल जा करता है सर, सॉइल एंड डिस्पर्सिंग एजेंट, इसका कंसंट्रेशन सब लगे सब लेयर पर डिफरेंट है कि सेम है, सपोज यहाँ पे हम ले लिए एक लेयर, यहाँ ले लिए एक लेयर, यहाँ पे लिए एक लेयर, यहाँ पे लिए ये लिए, सब लेयर पे देखो तो डेंसिटी सेम है कि अलग अलग है, अलग अलग है, अलग 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 सर। अब हम लोग क्या करते हैं इसके बाद, एक सैम्पलिंग डेप्थ, सैम्पलिंग डेप्थ वो डेप्थ होता है जहाँ पे हम लोग ऑब्जर्वेशन लेते हैं, वहाँ पे हम लोग एक पिपेट से
कुछ सॉइल सस्पेंशन यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ पीपिट कितना बताए थे हम? 10 ml सर। 10 ml, ये आफ्टर 2 मिनट। आफ्टर 2 मिनट क्या करेगा, 10 ml सैंपल यहाँ से कलेक्ट कर लेगा। ये किस डेप्थ पे लिया है? एच ई डेप्थ पे। ये जो डेप्थ है इसको हम लोग एच ई बोल रहे हैं। एच ई मतलब सैम्पलिंग डेप्थ, जहां से हम लोग ऑब्जर्वेशन लेते हैं। एच ई सैम्पलिंग डेप्थ। आफ्टर टेकिंग सैंपल वी हैव टू टेक दिस वाटर इन अ कंटेनर। ये जो भी सैंपल था उसको क्या किए, एक कंटेनर में ले लिए। इसमें क्या क्या प्रेजेंट है इस वाटर में? वाटर है, सॉइल है और डिस्पर्सिंग एजेंट है। वाटर प्लस सॉइल प्लस डिस्पर्सिंग एजेंट। अब हम लोग क्या करेंगे, इस कंटेनर को ओवन में डाल के इसको ड्राई करेंगे। आफ्टर सम टाइम क्या होगा, देखो इसको हम लोग कितना टेम्परेचर पे करते हैं। जो सिल्ट एंड क्ले होता है, इनऑर्गेनिक पार्टिकल होता है, इनऑर्गेनिक पार्टिकल के लिए हम लोग कितना टेम्परेचर रखते हैं ओवन में? 105 to 110 degrees Celsius। हाँ, 105 to 110 degrees Celsius। कितना ड्यूरेशन के लिए रखते हैं सोयल को? ट्वेंटी फोर आवर। टेम्परेचर होता है 105 degrees Celsius टू 110 degrees Celsius, 24 आवर। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसमें वाटर प्रेजेंट होगा क्या आफ्टर 24 आवर? नो सर। यहाँ पे सिर्फ सॉलिड बचेगा। सॉलिड में क्या क्या होगा? सॉइल और डिस्पर्सिंग एजेंट। सॉइल, सॉइल में कौन सा? सिल्ट एंड क्ले। सिल्ट एंड क्ले, सॉइल एंड डिस्पर्सिंग एजेंट। इसमें सॉइल में सिल्ट एंड क्ले होगा। देखो इसमें जो साइज ऑफ पार्टिकल होगा, ये जो सॉइल कलेक्ट किए हैं, इसमें जो साइज ऑफ पार्टिकल होगा, सपोज उसका डायमीटर हम मान लेते हैं, उसका डायमीटर डिफरेंट डिफरेंट होगा। सपोज ये एक पार्टिकल है जो टॉप लेवल पे है, इसका ये कितना डेप्थ है? ये एची सर। एची, ये एक पार्टिकल है जो आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी एची डेप्थ ट्रेवल किया है। मतलब ये जो पार्टिकल यहां पे था, यहाँ पे ये पार्टिकल यहाँ पे था इस कंडीशन, आफ्टर 2 मिनट ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया है इस लेयर पे, यहाँ पे आ गया है। तो इसका वेलोसिटी निकाल सकते हो क्या इस पार्टिकल का?
हेलो ये सर इनिशियली ये पार्टिकल यहाँ था आप सर डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दें एट द टाइम ऑफ सोइल सस्पेंशन आफ्टर 2 मिनट मींस एट द टाइम ऑफ रीडिंग दिस पार्टिकल ट्रेवल टू दिस डिस्टेंस नाउ वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल देखो एट द टाइम ऑफ सोइल सस्पेंशन के बाद जो पार्टिकल सेटल करता है हम लोग ये मानते हैं वो सेटलिंग वेलोसिटी से सेटल करता है Vs तो उस समय हमको निकालना है इसका सेटलिंग वेलोसिटी कितना होगा सपोज सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल इज Vs देन व्हाट इज Vs सर जी बाई 18 जी एस माइनस 1 डी स्क्वायर अपॉन न्यू नहीं इसके टर्म में बताना है हमको दो ही पैरामीटर उन्होंने यहाँ पे एच ई एन टी उसको हम लोग बाद में देखेंगे एच ई अपॉन टी होगा एक और फॉर्मूला होता है ये होता है जी बाई 18 जी माइनस 1 इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई न्यू यहां से हम लोग वो डी निकल जाएगा वो पार्टिकल जो टी टाइम में एच ई डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसका डायमीटर ऑफ पार्टिकल यहां से निकल जाएगा ये कितना होगा रूट अंडर एच ई 18 एच ई इंटू न्यू डिवाइडेड बाय जी इंटू टी इंटू जी माइनस 1 यही होगा क्या यही होगा ना इस लेयर से जो रेड लाइन दिख रहा है ये वाला ये लाइन इस लेयर से ऊपर जो भी पार्टिकल आफ्टर 2 मिनट जो प्रेजेंट होगा या तो उसका साइज डी होगा नहीं तो लेस देन डी होगा इज इक्वल टू डी नहीं तो लेस देन डी जो पार्टिकल इस लाइन पे होगा रेड लाइन पे उसका पार्ट उस साइज का उस पार्टिकल का साइज होगा डी इससे ऊपर जो भी प्रेजेंट होगा उसका साइज कितना होगा लेस देन डी होगा इसमें किसी कोई डाउट देखो ये जो डी लिए हम लोग ये उस साइज उस पार्टिकल का साइज है जो एच ई टाइम में सॉरी टी टाइम में एच ई डिस्टेंस ट्रेवल किया और इससे छोटा जो पार्टिकल होगा वो तो इससे ऊपर ही रहेगा क्योंकि उसका सेटलिंग वेलोसिटी तो लेस होगा ना मीन्स इससे ऊपर जो भी पार्टिकल होगा वो कुछ इस तरह से होगा डायमीटर छोटा होगा वो जो भी पार्टिकल होगा उसका डायमीटर लेस देन डी अब हमको निकालना है परसेंटेज फाइनर देन डी सपोज वेट ऑफ दिस सॉइल सैंपल व्हिच आर प्रेजेंट इन 500 ml इज डब्ल्यू टोटल ये कितना होगा डब्ल्यू टोटल W टोटल कितना होगा 12 टू 30 ग्राम सर 12 टू 30 ग्राम 12 टू 30 ग्राम V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन सर 20 लिख दिया क्या बोल रहे हो 20 टू 30 लिख दिए सर आप ओ सॉरी 12 टू 30 ग्राम होगा इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन ये कितना होगा 500 ml ये होगा 500 ml
सपोज दिस वेट इज इक्वल टू डब्ल्यू ड्राई, डब्ल्यू ड्राई इज ड्राई वेट ऑफ सॉलिड, इसका कितना वेट होगा? ये हमको नहीं पता, ये लैब करने के बाद पता चलेगा। ये डब्ल्यू ड्राई जो है ये कितना एमएल में प्रेजेंट है, कितना सॉइल मतलब सस्पेंशन में प्रेजेंट है डब्ल्यू ड्राई? 10 ml में सर। 10 ml, 10 ml। डब्ल्यू टोटल ये प्रेजेंट है कितना एमएल में प्रेजेंट है डब्ल्यू टोटल, जो वेट ऑफ सॉइल सॉलिड है? वेट डब्ल्यू टोटल कितना एमएल में प्रेजेंट है? 500 ml। 500 ml। 500 ml में। डब्ल्यू डी ए वेट ऑफ डिस्पर्सिंग एजेंट ये कितना एमएल में प्रेजेंट है? 1000। बिल्कुल। ये मीटिंग एंड हो रहा है तो दोबारा ज्वाइन करना है, इस मीटिंग को एंड कर रहे हैं। ओके सर। ओके।